हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ पे हाथी पूजन है, जिसको महालक्ष्मी पूजन भी कहते हैं। उसके लिए मैंने जो गहने बनाए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी है। जिसको सोने का स्वरूप देते हैं, और ये मीठा आटा है जो गुड़ के साथ लगाया है, इसको चांदी का स्वरूप कहते हैं, जिससे हम हाथी पूजन में गहने बनाते हैं। मैंने जो भी गहने बनाए हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, चलिए। ये शंकर जी की टोपी है जो उनके सिर पर लगाई जाती है। ये माता के लिए झुमके बनाए हैं, और ये छोटी छोटी अंगूठियाँ बनाई हैं, और ये चूड़ियाँ बनाई हैं, ये कड़े बनाए हैं हाथों में पहनने वाले, ये माथे की बिंदी बनाई है, ये सोने की छोटी सी बिंदी बनाई है, और ये हार बनाया है, ये नथ बनाई है, और ये बाजूबंद बनाया है, और ये गर्दोनी बनाई है कमर की, ये माता की चोटी बनाई है इस पे लगाने के लिए, ये गजरा बनाया है जो ऐसे लगाते हैं, और इसके बाद ये मैंने मंगलसूत्र बनाया है, ये छोटी छोटी पायलें बनाई हैं, और साथ में ये बिछिए बनाए हैं दो तरह के, एक ये ऐसे और एक ये सिंपल वाले, और ये हाथी को बांधने वाली चेन बनाई है, और ये शंकर जी की बड़ी अंगूठी बनाई है, और साथ में ये 16 बनाया है जो हमारे यहाँ पूजन में साथ में गहने के रखा जाता है। मैंने जो बेसन के आटे से चीज़ें बनाई हैं वो सोने का स्वरूप रहता है, ये ऐसा हमारे यहाँ दादी वगैरह कहती थी, तो इसलिए ये सब बेसन का बनाया है। और ये जो मीठे आटे से बनाई है, मतलब चांदी का स्वरूप लेके पायल बनाई है, आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं, मैंने इसको मीठे आटे से बनाए हैं, मेरी मम्मी दादी ऐसे ही करती थी तो मैंने भी ऐसे ही बनाया है। और मैंने ये सीस फूल बनाया है, इसके साथ में बोर बनाया है, देखिए मेरी भाभी दिखा रही है ना, ये उसके हाथ में मेहंदी वाले, और साथ में हथफूल भी बनाए हैं। ये इसी प्रकार से बनते हैं, मतलब आप इनको सिर्फ एक रूप दे सकते हैं, और ये हाथी की सूंड पे चढ़ाते हैं हमारे यहाँ। ये जो लाइनिंग दिख रही है इसमें 16 दी जाती हैं, ये मान्यताओं से चला आ रहा है। तल रही हूँ, ये क्या है, बहुत छोटे छोटे से हैं और आटे के हैं तो टूट जाते हैं ना, इसलिए मैं एक छलनी ले रही हूँ, उस पर ही रखूँगी, और फिर इससे ही धीरे धीरे तेल में तलूँगी। ऐसे ही मैं सारे गहने तल लूँगी, जिससे क्या गहने टूटेंगे भी नहीं और अच्छे से तले भी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखो तल गए ना और टूटे भी नहीं। ऐसे ही हम एक एक करके सारे गहने तल लेंगे। देखिए मैंने सारे गहने तल लिए हैं इसी प्रकार से। मैंने बनते हुए आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि पूजा करने में लेट हो रहा था, इस वजह से मैंने जो बनाए हैं वही आपको वीडियो में बताए हैं। इस पूजन में हमारे यहाँ लड़कों के लिए आसे बनाते हैं मीठी, जो कि एक लड़के के लिए 7 बनाते हैं, इनको पूजा में रखते हैं और ये लड़के ही खाते हैं। साथ में ये आटे के दिए हैं जो हाथी के दोनों साइड रख के जलाए जाते हैं, ये भी 16 होते हैं।